हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आप लोगों से फिर से शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मुझे ये भी पता चला है कि एग्जामिनर जब वाइवा ले रहे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कोई एक टॉपिक बताइए जिससे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें। तो मैंने आज कुछ इंटेलिजेंस के क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप कोई भी टॉपिक बताएंगे तो वो आपसे उसी ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ वाइवा में पूछे गए हैं लेकिन कुछ मैंने अपने आप ऐड ऑन किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस टॉपिक कहते हैं तो सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि वॉट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू फंक्शन सक्सेसफुली विद इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद एक्चुअली मैंने इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ वॉट इज़ टू फैक्टर थ्योरी। अभी टू फैक्टर थ्योरी क्या है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने दी है। टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। कौन थे? ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट नॉन फॉर वर्क इन स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने स्टैटिस्टिक में काम किया था। तो जो वो दो फैक्टर्स हैं वो क्या है, दैट इज़ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या होता है? प्रोवाइड्स द बेसिस टू परफॉर्म एनी टास्क, इट इज़ इनेट एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी। जो हम अपने जो बेसिक जनरल फैक्टर हम उसे कहेंगे कि कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं और ये हेरिडिटरी होता है। देन एस फैक्टर क्या है? टू परफॉर्म ए टास्क इफेक्टिवली वन नीड सम स्पेसिफिक एबिलिटी, दिस स्पेसिफिक एबिलिटी इज कॉल्ड द एस फैक्टर। किसी की कोई स्पेशलिटी होती है दैट इज़ एस फैक्टर। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई स्पोर्ट्समैन ले लो, बाकी बहुत सारी गेम्स खेलते होंगे लेकिन दैट इज़ जनरल फैक्टर। लेकिन किसी एक चीज़ में उनकी मास्टरी होगी, उनकी स्किल होगी, दैट इज़ एस फैक्टर। तो ये किसने दी है? आप साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। टू फैक्टर्स क्या है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए, एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है फ्रांसिस गैलटन। अब ये कौन है? फादर ऑफ यूजेनेसिस। अब मैंने इनके बारे में थोड़ा लिखा है कि इन्होंने क्या बताया है, क्या क्या है। गैलटन हमारे फर्स्ट थे जिन्होंने कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर काम किया था। गैल्टन अटेम्प्ट फर्स्ट टू डेवलप टेस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आता है, अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट तो हमें पता होना चाहिए अल्बर्ट बिनेट। तो इन्होंने क्या किया था? मेंटल टेस्टिंग मोमेंट बिगन विद द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बाय अल्बर्ट बिनेट एंड अनदर फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट साइमन इन 1905। इन दोनों ने मिलके जो है फर्स्ट टेस्ट किया था। देन नेक्स्ट है मेंटल एज कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। हु हैज़ गिवन द मेंटल कॉन्सेप्ट? तो अल्बर्ट बिनेट ने दिया था। देन 1916 में लियूस टर्मन ने इस स्केल को रिवाइज किया था। देन 1916 लियूस टर्मन पब्लिश द स्टैनफोर्ड वर्जन ऑफ द बिनेट टेस्ट दैट इज़ नोन एज स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है अगर कोई पूछता है कि आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने दिया था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर रहे हैं अल्बर्ट बिनेट। नो, सो आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिस टर्म वाज सजेस्टेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। ये विलियम स्टर्न ने दिया था लेकिन मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्बर्ट बिनेट ने दिया था। तो फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस नंबर 100 इज यूज एज ए मल्टीप्लायर टू एलिमिनेट द डेसिमल। तो ये इंटेलिजेंट के प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अपने एग्जामिनर को कहते हैं कि मुझसे इंटेलिजेंस में से क्वेश्चन पूछिए तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इस तरह से एक मैं पर्सनालिटी का भी एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगी, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ शेयर लाइक, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2020 जुलाई के स्टूडेंट्स हैं उन सबको प्रमोट कर दिया गया है। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछे लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि आपकी असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल वो सबमिट होने चाहिए तो ही आप सेकेंड ईयर में प्रमोटेड हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।